हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ एक क्विकली अमेजोन हॉल शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी विच इज़ माय किचन टूर, उसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किया जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया। तो दिस इज़ अ अमेजोन मिनी हॉल। जैसा कि दिवाली आने वाली है तो मैंने बहुत सारे डेकोर की भी शॉपिंग करी है, तो मैंने सोचा कि दिवाली के पहले एक क्विक आप सबको इन सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर कर दूँ, बिकॉज अगर आप परचेज करने वाले होंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं छोटे इस प्रोडक्ट के बारे में स्टार्ट करती हूँ, विच इज़ मोर इजियर फॉर मी ऑल्सो। तो सबसे पहले मैंने ये क्यूट सा बॉक्स खरीदा है, दिस रिंग बॉक्स आप कह सकते हैं। अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो इस तरीके का, ये इस पे रेड वेलवेट का है। वैसे तो आप चाहें तो उसको बना सकते हैं, कार्डबोर्ड को कटिंग करके उसके ऊपर रेड वेलवेट पेपर चिपका करके इसको बनाया गया है। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा शोवर लगता है, तो आप आसानी से किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। अंदर इसमें ये इस तरीके से है, तो अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो आप इस तरीके के बॉक्सेस में देते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो ये आई थिंक 100 रुपीज़ के नियर अबाउट मैंने परचेज़ किया था, तो आप डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये ब्रीफकेस भी अमेजोन का ही है, इसलिए मैंने इसको साइड में ही रख लिया था कि इसके बारे में आपको क्विक रिव्यू शेयर कर दूंगी, बिकॉज इसको यूज़ किए मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया है। सो आई थॉट वाई नॉट, बिकॉज आप सब में से बहुत सारे लोग परचेज करने वाले होंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये है कैंडल, दिस इज़ फ्लोटिंग कैंडल। आप इसको यू नो वाटर में भी रख सकते हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें माचिस लगाने का कोई डर नहीं है और यू नो जलने का कोई डर नहीं है। बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं अगर छूती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कलर भी चेंज करता है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे दिवाली डेकोर के लिए। बस आप बैटरी ऑफ कर दो तो ये ऑफ हो जाता है। आई थिंक अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरा बैटरी भी ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, और आप इसको लगा करके आसानी से अपना होम डेकोर कर सकते हैं दिवाली में। तो मैं इसको तो दिवाली में बहुत तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, अपने पूजा घर में, अपने किचन में, अपने हॉल में। सो मैं कैसे यूज़ करती हूँ ये देखने के लिए आपको मेरा दिवाली ब्लॉग देखना पड़ेगा, तो उस ब्लॉग को देखने के बाद आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे इन चीज़ों को डेकोर करती हूँ। ब्रीफ केस का रिव्यू मैं एकदम लास्ट में दूंगी, तो वो मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगी। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जिसकी की अनबॉक्सिंग मैंने जस्ट रिसेंट ही की है। अभी एक बार फिर खोल लेती हूँ। सो दिस इज द शो पीस। मैंने एक शो पीस मंगाया था फॉर दिवाली डेकोर, एंड मैंने सोचा था इसमें मैं एलईडी लाइट लगा लूँगी, बिकॉज एलईडी लाइट भी मैंने परचेज किया था कुछ टाइम पहले ही, बट ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पीस निकला, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए मुझे कुछ मतलब अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता ना तो शायद मैं इसको रख लेती, बट ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो आप इसको यू नो अपने टेबल वगैरह पर रख सकते हो, वहाँ के लिए बेस्ट है। सो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो उसको ख़रीद सकते हैं, बिकॉज ये प्लास्टिक मटेरियल का है एंड दिस फ्लावर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लास्टिक, सब कुछ प्लास्टिक का है इसमें। सो मैं तो इसको रिटर्न करने वाली हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड सम बिग साइज़, एंड ये तो टेबल वगैरह पे रखने के लिए बहुत सही है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, कुछ गिरेगा झड़ेगा नहीं, कम्प्लीटली प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, तो आप आसानी से यू नो डेकोर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने यू नो डाइनिंग एरिया में या फिर यू नो टेबल वगैरह पर रख सकते हैं, शोकेस में रख सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। सो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ किचन रिलेटेड आइटम्स। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस, जिसको कि मैंने ये आपको एकदम अलग अलग मिलेगा, आपको उसको स्क्रू से टाइट करना होगा एक एक पार्ट को, और ये आपका तवा स्टैंड है, मतलब आप इस पे तवा चौक और बेलन रख सकते हैं। तो आप मेरे लास्ट किचन ब्लॉग को देखिए, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको किस तरीके से रखना है, और इसमें आप इसको जो है ना वो टांग सकते हैं अपने वॉल पे भी, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पीछे, यहाँ पर आप इस तरीके से स्क्रू लगा करके इसको वॉल पर भी हैंग कर सकते हो और नीचे भी रख सकते हैं अपने स्लैब एरिया पर।
सो इसकी भी क्वालिटी अच्छी, जब मैंने इसको परचेज किया था तो 100% यही देख के कि ये स्टेनलेस स्टील है, बिकॉज स्टील की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है कंपैरिजन टू आयरन, तो ये लॉन्ग ड्यूरेबल रहता है। और इसमें नीचे ये स्टैंड दिया हुआ ना, तो ये बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं करेगा आपके स्लैब को, इजिली फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज लाइक दिस, तो उसको तो मैं 5 स्टार दूंगी। आप अगर परचेज करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। टू द ग्लास जार, सो बहुत से लोग डेकोर के लिए या फिर बहुत से लोग किचन के लिए एक अच्छे ग्लास जार ढूंढ रहे होंगे, तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया दिस ग्लास जार। दिस इज़ एयर टाइट कंटेनर, और इसमें आप अपनी कोई भी ऐसी इसेंशियल चीज़ें जो कि ज़रूरी होती हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उस हिसाब से बस इसको आप ऐसे होल्ड करते हो और ये खुल जाता है। और यहाँ पे ये इस तरीके का, इसमें आप देख सकते हैं ये दिया है सिलिकॉन रबर टाइप का, जो कि इसको एयर टाइट बनाता है कुछ इस तरीके से। तो इसमें आप हर तरीके की चीज़ें रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर टाइट है तो इसमें हवा पास होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में ये आया था, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड नहीं की, बट इसकी पैकेजिंग बहुत ही सुपर क्वालिटी में आई थी कि डैमेज होने के कोई भी चांसेस नहीं थे। दिस इज़ फ्रॉम पिरामल ब्रांड, एंड जो इसका ग्लास है वो बोरोसिल, और इसका जो ग्लास है वो बोरोसिल ग्लास है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब डेफिनेटली ये ग्लास है, आप कहोगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी का, चलो उसको फेक करके देखते हैं, तो डेफिनेटली टूटेगा ही, लेकिन इसकी जो ग्लास क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर आपके हाथ से स्लिप होने के चांसेस होते हैं तो वैसा नहीं होगा इसके साथ। और अगर आप डेकोर पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप LED लाइट लगा करके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ मस्ट हैव आइटम फ्रॉम माई साइड, एंड इसको भी मैं 5 स्टार दूंगी, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करते हुए 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, एंड इट्स सुपर्ब क्वालिटी, आई लाइक दिस वन। तो इसको मैं संभाल करके रख देती हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो भी ग्लास मटेरियल का ही है। तो दिस इज़ रिफाइंड बॉटल, एंड मुझे पता नहीं क्यों अपने किचन में ग्लास आइटम रखने का मन था इस बार, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया दिस। स्टील के और प्लास्टिक के बहुत सारे आपने देखे होंगे, बट ग्लास मटेरियल का एक लुक अलग ही आता है, क्योंकि इसमें एकदम ट्रांसपेरेंट सा रहता है, एंड ये लीक प्रूफ है, इस तरीके से है इसमें। तो जितना, आई थिंक इट्स 800 ml ही मैंने परचेज़ किया था, बिकॉज दिस क्वान्टिटी इज़ सफिशियंट। सो इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्लास इसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इसका ग्लास थोड़ा आवाज़ कर रहा है, उसका बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो प्राइस अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, दिस इज़ नियर अबाउट 300, आई थिंक 309 rupees आई परचेज दिस वन। एंड जो ये जार था ये 1000 में 4 pieces थे, आई थिंक 1200 समथिंग में 4 pieces थे। कैंडल का प्राइस मैंने आपको नहीं बताया, दिस इज ऑल्सो आई थिंक 300 नियर अबाउट। ओके, नाउ मूव टू सम कॉस्मेटिक्स। सो फर्स्ट वन इज दिस हिप हॉप स्किन केयर क्लिंजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स। तो बहुत बार, कई बार क्या होता है कि ऑयल एंड डर्ट जमा हो जाती है आपके नोज अराउंड, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, बिकॉज दिवाली का टाइम हो रहा है, तो सुंदर सभी लोग लगना चाहते हैं, क्लीन लगना चाहते हैं, तो हम घर की तो सफाई करते हैं, अपने स्किन की भी सफाई करना उतना ही इसेंशियल है। तो ये नोज स्ट्रिप आता है जिसको कि आप अपने नोज पर लगा करके, ऊपर से ये चारकोल वाला है, तो बहुत ही डेफिनेटली थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस रहता है ये। इसमें 3 स्ट्रिप आते हैं, जो कि एक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और 2 स्ट्रिप है मेरे पास। कुछ इस तरीके से आपको उसको पील करके अपने नोज़ के अराउंड लगाना है, एंड 5 से 10 मिनट के बाद हल्का सा गीला करते हुए उसको ना आप आसानी से धीरे धीरे करके रिमूव कर लो। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, डेड स्किन की लेयर है, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो सब ईजिली निकल आएंगे, बिकॉज वो इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं, आप सभी को पता है। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आसानी से वो निकल आएंगे। सो ये 3 स्ट्रिप्स है, एंड 100 rupees इसका प्राइस है, एंड इसमें मेंशन है वेट इट। पहले इसको हल्का सा गीला करना है, फिर पील इट, इसको हल्का गीला करने के बाद आप पीछे से आसानी से पील कर पाएंगे, एंड देन पेस्ट करना है जहाँ पर भी आपको, जो भी आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, जहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स इशू है, वहाँ पर इसको अप्लाई करना है, एंड देन पुल इट आफ्टर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स के बाद आपको उसको पुल करना है। शायद मैंने एक वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था इसके बारे में। सो है तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव कर देता है, बट थोड़ा सा ये पेनफुल प्रोसेस है, बिकॉज इसको रिमूव करते समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन को एकदम क्लोज कर लेता है, तो आप हल्का सा ऑयल या वाटर लगा करके धीरे धीरे रब करते हुए इसको अगर आप पुल आउट करेंगे तो थोड़ा सा पेन कम होगा। शुगर है का इतना ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है इस टाइम पर, तो मैंने भी शुगर की एक लिपस्टिक ऑर्डर करी,
दिस इज शुगर एयर किस पाउडर मैटे लिपस्टिक चेरी फ्लफ, और ये अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, तो मैंने ये न्यूली लॉन्च लिपस्टिक ट्राई करी, शुगर की पाउडर लिपस्टिक, एयर किस पाउडर लिपस्टिक 04 चेरी फ्लफ इसका शेड नंबर है। बट मैं अपनी बात करूँ तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इस तरीके से है ये इसका कवर, और इसकी आउटर पैकेजिंग ना, जैसे कि पाउडर इसका नाम ही है तो उसी टाइप का ये दिख रहा है, बहुत ही नो ट्रांसपेरेंट सा। शुगर की मैंने और लिपस्टिक ट्राई करी हैं विच इज़ यू नो परफेक्ट, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, बट ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं, क्योंकि इसको रिमूव नहीं होगा, मतलब इसको लगाने के बाद मैंने ऐसे कुछ खाया पिया तो डेफिनेटली ये रिमूव हो चुका था, जबकि इसका प्राइस है 500 रुपीज़। सो आई डोंट लाइक दिस वन, बट अगर आप परचेज करना चाहें तो डेफिनेटली इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बिकॉज इसके कंपेरिजन तो ब्लू हेवन का पाउडर मैटे लिपस्टिक, दिस वन आई परचेज इट फ्रॉम लास्ट ईयर दिवाली, एंड यही मैंने अभी अप्लाई और यही मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई भी किया हुआ है। इट्स क्वालिटी सुपर, और इसको भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, अगर आप खाते पीते हो तो ये भी निकल जाता है, बट ये आपके लिप्स पे एक अच्छा फिनिश देते हैं, एक अच्छा लुक आता है। बट शुगर वाली जो ये लिपस्टिक मैंने ट्राई करी पाउडर वाली, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो। और मैं इसका शेड आपको एक बार लगा करके दिखा देती हूँ। शेड मैंने रेड देख करके लिया था, बट ये हल्का पिंक टच में है, नॉट कम्प्लीटली रेड। हल्का सा पिंक टच में है ये, नॉट कम्प्लीटली रेड लाइक दिस। और ये देखिए मैं इसको फैला रही हूँ तो ये इजिली फैल जा रहा है। अच्छा चलिए मैं इसको 5 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं। लेट्स वेट। पर अभी आप देखो मेरे इस फिंगर में बिल्कुल भी नहीं लगा है, मैं इसको मेंशन करती हूँ इस तरीके से। इट्स 100% ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बट एनीवेज वैसे ही आपके लिप्स को ड्राई नहीं करता है, बिकॉज इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ, और इसीलिए आपके लिप्स को ये ड्राई नहीं करता है। आपको अपने इस ब्रीफ केस का रिव्यू दे देती हूँ, कैसा है ये, इसकी क्वालिटी क्या है, किस ब्रांड का है, सारी चीज़ें आप सबके साथ डिटेल में डिस्कस करती हूँ। सो गाइज यू कैन सी दिस इज एरिस्टोक्रैट ब्रांड एंड कलर इज ब्लू, क्वालिटी लाइक दिस। मैं हल्का सा बीच में प्रेस कर रही हूँ तो ये दब रहा है, अदरवाइज गुड। यहाँ आपको इसका लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है, पकड़ने के लिए ये हैंडल भी दिया हुआ है, 1 ज़िप है, एंड मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये मैंने इसको इस तरीके से वॉल पर रख दिया था जिसकी वजह से इस पर कुछ कुछ दाग लग गए हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट इज़ गुड, आई थिंक आई परचेज दिस प्रोडक्ट नियर अबाउट 4,000 रुपीज़, एंड मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से है, 3 साल की आपको इसमें वारंटी मिलती है, दिस इज वारंटी कार्ड। दिस इज अ कॉम्बिनेशन लॉक, तो इसका सिस्टम आपको दिया है इस तरीके से, 00 पर सेट है, आप जिस पे चाहें उस पे सेट कर सकते हैं, सो लाइक दिस। ओवरऑल ये आपका इसमें स्पेस है रखने वाला, सो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मैंने अपने बिजी दिवाली स्केड्यूल से टाइम निकाल करके आप सबके साथ ये मिनी हॉल शेयर किया है, विच आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. टिल देन टेक केयर एंड